हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें। तो उससे पहले प्लीज़ आप लोग, मैं तीन वीडियोस बोलूँगी चेकआउट करने के लिए। रीज़न है, जब आप उन वीडियोस को देखोगे तो आपको ये होगा कि आपको ये वीडियो देखना इम्पॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो पहली वीडियो है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, सेकेंड वीडियो ये है, ये भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है। दो आपकी वीडियोज़ हैं, 12 मिनट की हैं दोनों, 12-12 मिनट की। तो अगर 2x की स्पीड पे भी एक बार देखोगे तो तुम्हारे टोटली 12 मिनट लगेंगे। तो इस वीडियो को स्टॉप करके इन दो वीडियोस को चेकआउट करके आओ। इससे तुम्हें आइडिया लगेगा कि हम किस चीज़ें किस तरह से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आपका कोई भी चैप्टर अगर थोड़ा सा भी डिफ़िकल्ट लग रहा है, लाइक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सारे बच्चों को अटपटी लगती है, तो एक बार ये चीज़ें देख के आओगे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ मुझे इन टॉपिक्स पे फोकस करना है, ये वैरायटी करनी है, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट जो वीडियो आप देखोगे वो आपकी कौन सी रहेगी, ये वाली रहेगी। इसमें क्या मैंने डिस्कस किया है, अब मैं यहाँ पे ये चीज़ें दोबारा डिस्कस नहीं कर रही हूँ, इस वजह से मैंने यहाँ पे ये वीडियोस अटैच कर दिए हैं सो दैट आप लोग ये चेकआउट करके आओ। इस वीडियो में आपका शेड्यूल मेंशन है पूरा। अब ये शेड्यूल इंपॉर्टेंट क्यों है देखना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पर लाइव क्लास स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम 1st of April। ठीक है, अब फ्रॉम 1st of April, अप्रैल का मैंने एक शेड्यूल छोटा सा डिस्कस किया हुआ है कि हम इन सात, मतलब अप्रैल को 7-7 दिनों में डिवाइड किया हुआ है। उन 7 दिनों में पहले आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होएगा, फिर फिजिकल केमिस्ट्री होगा, फिर 12th की फिजिक्स होएगी, तो वो चीज़ें सारी डिस्कस्ड हैं, तो उसके अकॉर्डिंग होगी। तो ये एक बार चेकआउट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब इस वीडियो में मुझे क्या अपडेट आप दोनों को देना है, देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले तो यूट्यूब पर आप लोगों की लाइव क्लासेज होंगी। ठीक है, लाइव क्लासेस होंगी फ्रॉम फर्स्ट ऑफ अप्रैल। बट उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, 21st मार्च से लेकर के 31st मार्च तक, 21st मार्च से 31st मार्च तक हम अपना 12th फिजिक्स कवर करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे इन दो वीडियोस में करवाया है। ऊपर ये जो दो वीडियोस हैं इनमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवाई है, सेम आपका ऐसे 12th फिजिक्स हम करेंगे। तो 21st से 31st तक आपको फॉलो करना है वो, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे, सो दैट अप्रैल में आपका एटलीस्ट इनऑर्गेनिक या 12th फिजिक्स या बायोलॉजी पूरा रहे। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का ये तो मैं करवाऊंगी, साथ में आप लोग खुद से क्या करोगे, 12th की बायोलॉजी जो है वो रीड करोगे। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ोगे। बैच वाले बच्चों को तो क्वेश्चन मिल रहे हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट पे भी उन्हें आने शुरू हो जाएंगे, तो वो वहाँ पे वो सॉल्व करेंगे, लेक्चर्स यहीं आप अटेंड करोगे। ठीक है, यहाँ पे तो हम ये थ्योरेटिकल चीज़ें ही करेंगे, जैसे मैंने ऊपर आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया है, बट जो ये लाइव क्लास रहेंगी ये आपकी मैराथन क्लासेस रहेंगी। जैसे मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दूँ तो यहाँ पे जैसे मैंने अप्रैल को मैंने 7 डेज़ में और 2 डेज़ एंड में ऐसे स्प्लिट करवाया था, तो यहाँ पे अगर मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डाला है तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं सिर्फ उनके हम डेली एक आपकी मैराथन क्लास करेंगे। लाइक उसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एक चैप्टर के टॉप 30, 50, 150, 100 ऐसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से फिर नेक्स्ट 7th डे में हम 12th फिजिक्स कर लेंगे। 12th फिजिक्स एक बार आपकी यहाँ हो चुकी है थ्योरेटिकल पोर्शन में, यहाँ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर 11th फिजिक्स करेंगे, साथ साथ अपना 11th और 12th की बायो आप नीचे लाए रखना। ठीक है, वो आप लोगों को एनसीईआरटी से पढ़ना है डायरेक्टली, एंड देन यहाँ पे फिर हम एक बार अपनी फिजिकल केमिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे होंगे। आई होप ये चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, तो ये लाइव क्लास या मैराथन क्लासेस तभी शुरू होंगी, तभी रेगुलरिटी में रहेंगी जब आप 21st मार्च से 31st मार्च का अच्छे से चीज़ें कंप्लीट करोगे। हिंदी मीडियम में बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि हिंदी मीडियम में प्रोवाइड कर दो पीडीएफ्स, तो हिंदी मीडियम का देखो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि इंग्लिश मीडियम पे अभी 2 महीने फोकस करने के लिए, तो अगर उनका अच्छे से हो रहा है तो आप वो ही कर सकते हो, क्योंकि आइडिया तो आपको मिल ही जाएगा कि टॉपिक आपको ये करने हैं प्रिपेयर। ठीक है, तो ये प्लीज़ इन दोनों वीडियोस चेकआउट कर लेना अच्छे से, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि कौन कौन लाइव अटेंड करेगा या 21st मार्च से 31st मार्च तक का जो 12th फिजिक्स है वो मेरे साथ फॉलो कर रहा है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ आप लोगों को, यहाँ पे जो मैं मैराथन क्लासेस में क्वेश्चंस डिस्कस करवाऊँगी इन लाइव, वो आपके जैसे आपका जो मैराथन क्लासेस में क्वेश्चंस हम करेंगे उनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। एग्ज़ाम के बाद आप आकर उन्हीं वीडियोस में बोलोगे कि हाँ दी, यहाँ से इस पीडीएफ से या इस लेक्चर से यहाँ पे मुझे क्वेश्चन मिला है। ठीक है, आपको बहुत अंदाजन है, ये मेरे अकॉर्डिंग है कि आपको 60 राउंड क्वेश्चन मिल ही जाएंगे,
और उतनी मैं आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी करवा दूंगी। तो डेफिनेटली 60+ डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और फ्री यूट्यूब पे ही हो रही है, मैराथन क्लासेस है, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी साथ में। अगर हुआ तो मैं आपको ऐसे वाले लेक्चर्स जो हैं वो 11th फिजिक्स के भी प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि 12th फिजिक्स के तो अभी आपके 31 मार्च तक हो ही जाएंगे, तो वो आपका आगे आगे चलता रहेगा, ठीक है। तो एक बार ये चीज़ें शेयर कर दो हर एक बच्चे को, ठीक है, लाइक करो वीडियोज़ को, और जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स आप करोगे इस चीज़ का उतना ज़्यादा आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा अप्रिसिएशन से, ठीक है। सो कमेंट में बताना हर एक स्टूडेंट ये चीज़, ठीक है, और ये दोनों वीडियोज़ डेफिनेटली देख लो।